नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटों में 1400 नए मामले, 41 और लोगों की मौत। हम हर इंसान तक भोजन पहुंचाएंगे, कहना है अशोक गहलोत का। ऐसी महामारी में केंद्र राज्य की टकराव क्यों? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 21,393 हो गई है, जिसमें से 4,258 लोगों को ठीक किया जा चुका है और 681 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 16,454 सक्रिय मामले देश में मौजूद हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1400 नए मामले सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बीते दिन में भी 388 लोगों को ठीक किया जा चुका है और कुल सक्रिय मामलों में 980 नए मामले और जुड़ गए हैं। ICMR द्वारा आज 23 अप्रैल सुबह 9 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 542 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 21,797 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर में सबसे अधिक नए मामले 5 राज्यों से आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 434, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 5,652 हो गई है। राजस्थान 231, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,890 हो गई। गुजरात 229, वहां संख्या 2,407 हो गई है। उत्तर प्रदेश 155, जहां संख्या 1,449 हो गई है। दिल्ली से 92 मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या दिल्ली में 2,248 है। साथ ही आंध्र प्रदेश में 56 मामले, मध्य प्रदेश में 40, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 33-33, जम्मू कश्मीर से 27, तेलंगाना और बिहार से 17-17, केरल से 11, कर्नाटक से 9, हरियाणा से 8, पंजाब से 6, उड़ीसा और झारखंड से 4-4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 2 मामले और हिमाचल प्रदेश से 1 मामला सामने आया है। देश में ऐसे 12 राज्य हैं जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, चंडीगढ़, लद्दाख, मेघालय, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज क्लिक से एक विशेष बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि हर जरूरतमंद तक मुफ्त भोजन पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की फांसीवादी और तानाशाही सरकार को सत्ता से हटा सकती है। आइए सुनते हैं उन्हें। मंगलवार के दिन सुबह राजस्थान सरकार, पहला राज्य जो सवाई मानसिंह अस्पताल में ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग जो हो रहे थे ये COVID-19 के खिलाफ, और ये पता चला कि ये ठीक तरह से नहीं चल रहा है। इसका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये मैच नहीं कर रहा है। एक और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आपने शिकायत किया ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और उसके बाद तुरंत सारे राज्य के पास इसका एक घोषणा आया कि ये टेस्ट बंद कर दीजिए। राजस्थान के वहीं से शुरू हुआ, राजस्थान से SMS से, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, हरियाणा, सारे लोग बंद कर दिया। आपने ट्वीट किया था रात को, बहुत रात के समय, आप सोते नहीं, आप मेरे को एक मैसेज भेजा 2 बजे, तो आप बहुत रात में एक ट्वीट किया, आई हैड अर्लियर सजेस्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट अ सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म विद प्रॉपर गाइडलाइंस और क्वालिटी चेक मे बी डेवलप्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। Unfortunately, this was not accepted. Had this suggestion been accepted, then the failure of rapid testing kits could have been avoided, and we have written to ICMR for the same. मतलब आज, मतलब ये क्या केंद्र सरकार का क्या गलती थी? आपका आपका क्या सलाह था? क्यों नहीं आपके बात इन्होंने सुना? क्योंकि ये पहले पैसा नष्ट हुआ, समय नष्ट हुआ। हाँ जी, देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ में जब पहली VC हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तब मैंने सुझाव दिए थे कि क्योंकि पूरे मुल्क में और पूरे विश्व के अंदर कोरोना का जंग छिड़ चुका है, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट है या एसेंशियल कमोडिटीज है, पूरा मुल्क जब लॉकडाउन में है, तो भारत सरकार को चाहिए कि वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करे मेडिकल इक्विपमेंट का भी, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वो टेस्टिंग किट हो, चाहे PPE हो, या ICU के बेड बढ़ाने की बात हो, और कोई इक्विपमेंट की बात हो, सेंट्रलाइज अगर परचेज करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसके बाद में जिन राज्यों में जो स्थिति जैसी होगी
कहीं कम है कहीं ज्यादा है कोरोना का पेशेंट, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कहीं पर, कहीं ज्यादा है कहीं अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग टू ICMR उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा और किसी राज्य को तकलीफ नहीं होगी। वरना राज्य अपने प्रतिस्पर्धा करेंगे, कोई कोरिया की तरफ जाएगा, कोई चाइना से मांगेगा, कुछ चक्कर में मैं समझता हूँ मेरे दिल में ये बात थी कि क्वालिटी मेंटेन भी नहीं होगी और साथ में आप टाइमली प्रोक्योरमेंट भी नहीं कर पाएंगे राज्य सरकार, वही हो रहा है देश के अंदर। इसलिए जब किट यहाँ पर आए तो 30,000 किट ICMR ने दी हम लोगों को और 10,000 किट हमारी गवर्नमेंट ने खुद ने मंगाए थे चाइना से, सेम कंपनी के, और जब वो फेलियर हो गए यहाँ पर और यहाँ तक 5,000 टेस्ट हमने किए, कुछ परिणाम ही आए, फिर हमने 168 जो पेशेंट पॉजिटिव थे कोरोना के उन पे वो टेस्ट किया जिनको 7 दिन हो चुका था, तब तो आने जाना था, तब भी मुश्किल से 5% आए, तब ये तय हो गया बिल्कुल ये नाकामयाब है, कोई काम के नहीं। तब हमने ICMR को लिख के भेजा और उनको मैनेज करने किया। अशोक गहलोत जी, ये दो सवाल है। पहला बात है कि ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया है, किसी का नाम उसका लेख नहीं किया, एक वरिष्ठ वहां का अधिकारी बोला कि जिस तरह से ये किट का इस्तेमाल किया ये ठीक तरह से नहीं किया, एक तरह से कह रहे कि दुरुपयोग हुआ, ये इक्विपमेंट का दोष नहीं है, ये आप जिस तरह से इसका उपयोग किया, ये एक सलाह है, एक किसी का कहना है। और एक चीज और, एक चीज और, साथ साथ लोग कह रहे कि जिस जगह से ये चीज खरीदने आ वो तो चीन का सरकार नहीं कहा कि ऐसा कंपनी से, इसका कंपनी का सर्टिफिकेशन नहीं था, आप ऐसे कंपनी से क्यों ये खरीद गया, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया मेरा लग रहा है। देखिए ICMR का जो पैनल था कंपनियों के बारे में, उसी आधार पर ये ऑर्डर दिए गए, ICMR ने उसी से खरीदे हैं ये रैपिड टेस्ट के किट खरीदे हैं, और जहाँ तक ये पत्र लिखा गया और हमने निश्चय किया, उसके पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट और माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बैनर्जी और डॉक्टर नित्या व्यास, वो एक्सपर्ट थे, उनकी राय लेने के बाद में उनकी कमेटी बैठाई गई, कमेटी उन्होंने आपने बातचीत करी, दोनों की रिकमेंडेशन थी, उसके बाद में ये हम लोगों ने तय किया कि ये किट कोई काम के नहीं है और ICMR को उसी ढंग से हमने इतला करी। इसलिए कहना गलत है कि बिना कोई जांच पड़ताल के ऐसे फैसला कर लिया। अशोक गहलोत जी, ये 29 मार्च में एक कोटा में घटना हुई थी, एक ट्रक में आटा का पैकेट लेके जा रहे थे और लोग वो गाड़ी रोक के सारे जो पैकेट है लूट गया, और जो गाड़ी का जो मालिक था उनसे जब सवाल उठा गया तो बोला कि ये कुछ गलत नहीं किया जो लोग किया, जहां भूखमरी है वहां लोग मजबूर है, ये उन्होंने कहा। और उस समय कोटा का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP साहब गौरव यादव जी कहा कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, और उन्होंने 10 व्यक्ति को राउंड अप किया। सर, जो भूखे आदमी है उनको गिरफ्तार करके क्या फायदा होगा आपका पुलिस वालों को? गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, वो एक घटना ही थी, मैंने भी देखा वो वीडियो उसका, उसमें कोई दो राय नहीं कि कानून थोड़ा हम लोगों ने, पर लोकल क्या हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं थी उस वक्त में, मैंने फिर वीडियो देखा था। अब मैंने ठीक है, पर मेरा मानना कि जो हमारी मांग है भारत सरकार से, अगर वो मांग पूरी होती है तो ऐसी घटना होगी नहीं। हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में हमने सोशल सिक्योरिटी को बहुत महत्व दिया है, उसके कारण से आज राजस्थान बहुत कंफर्टेबल है, परचेजिंग पावर सबकी बढ़ गई, हमने करीब 78 लाख लोगों को 2 महीने की पहले एक साथ दे दी पेंशन, तो हर घर में पति पत्नी जो पेंशनधारी है तो 1,500 से लगा के 4,000 रुपये तक उनके घर पहुंच गए। नंबर दो, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं उन लोगों को हमने 10 किलो अनाज फ्री दे रहे राजस्थान के अंदर। इसके अलावा जो BPL स्टेट BPL अंत्योदय योजना वाले या जो ऐसे मजदूर जो रजिस्टर्ड हैं या डेस्टिट्यूट जो निसहाय लोग हैं, कचरा बिनने वाले हों चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हों, ऐसे लोगों को सर्वे करवा के हम लोगों ने सबको 2,500 रुपये उनके खाते में डाल दिए या कैश दे दिए।
और सूखा खाना जो है पैकेट पका पका खाना भी बड़ी संख्या में, जो हमारे यहाँ के भामाशाह एनजीओ और जिला प्रशासन को हमने अनटाइड फंड दे दिया, हर कलेक्टर के पास में अनटाइड फंड रखा गया और हमने कहा कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर। आपको जानकर खुशी होगी आपको जान के इस अप्रोच से राजस्थान में आज मैंने पूरे प्रदेश में बात की होगी, टेलीफोन से लोगों से फीडबैक लिया होगा, अधिकांश लोग खुश हैं व्यवस्था से, ये मैं कह सकता हूँ। अशोक गहलोत जी, देखिए भारतवर्ष के अलग अलग जगह से अखबारों में, वेबसाइट में, टीवी चैनल में हम सुन रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी का कहानी नहीं, जो कमजोर व्यक्ति है भूखमरी का एक ने बहुत सारे ऐसे हम रिपोर्ट आ रहे हैं हमारे पास, राजस्थान का बात मैं नहीं कह रहा। आप जो गरीब व्यक्ति, जो भूमिहीन है, जो 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 प्रवासी मजदूर है, जो जो नोमैडिक कम्युनिटी के, जो घुमंतू समाज के लोग हैं, इन लोगों को आप मुफ्त में खाना दे रहे, पक्का खाना राशन, उसे आप पैसा नहीं ले रहे, यही कर रहे हैं या नहीं, यही सवाल था। हम यही कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमने 10 किलो प्रति व्यक्ति जो अनाज दिया है, आप समझ लीजिए कि 5 करोड़ लोग राजस्थान में हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने 2 रुपये जो केंद्र सरकार के रेट थी उसकी बजाय 1 रुपया कर रखा हम लोगों ने पहले से ही राजस्थान में बीपीएल के लिए। अभी हमने क्या किया है, उन लोगों को सबको 10 किलो अनाज 5 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि अनाज हमें कम मिल रहा है भारत सरकार से। आपको जानकर खुशी होगी, आज ही हमने फैसला किया है कि करीब 60 लाख लोगों को, क्योंकि अनाज कम आ रहा है, संख्या ज्यादा है, क्योंकि नॉर्म से जो बनाया गया 2011 की जो जनगणना है सेंसस, उसको आधार बना करके दिया जा रहा है अनाज। हमने क्या किया, आज हमने कहा कि मार्केट से एफसीआई से खरीदेंगे हम लोग, बाजार भाव से मार्केट प्राइस से खरीदेंगे 21 रुपये प्रति किलो, और जैसे बाकी लोगों को दिया जा रहा है 10 किलो अनाज फ्री, उसी ढंग से इन 60 लाख लोगों को भी 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा मई के महीने के अंदर। गहलोत जी, मतलब 100 रुपये हम खर्च करेंगे, इस प्रकार हम चाहेंगे कोई आदमी तकलीफ में नहीं रहे। इनके पास राशन कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, फिर भी इनको मिलेगा? ठीक, यस यस। अच्छा, हमने कहा आपको, नहीं हमने एक बात कही थी कि राजस्थान में हमने क्या किया है कि डेस्टिट्यूट जो लोग हैं जी, राशन कार्ड के बाद नहीं है, घुमकर जाते हो, जो अभी नोमेडिक ट्राइब कहा था आपने, ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन लोगों के लिए भी हमने सर्वे करवाया है और 1,30,000 के आसपास परिवार ऐसे राजस्थान में हैं जिनके जो बहुत गरीब हैं, डेस्टिट्यूट हैं, रात को सोते हैं वो रेन बशेरे में सोते हैं, ऐसे लोगों को हमने सर्वे करवा दिया राजस्थान के अंदर कलेक्टर के माध्यम से, और उस सर्वे के आधार पर हम चाहेंगे उनको इमदाद मिलती रहे। आगे भी सर्वे हमारे पास रहेगा, आगे कोई स्कीम बनती है तो हम उसको आधार बना के उनको इमदाद कर पाएंगे। कोविड-19 जैसी महामारी में भी केंद्र बात बात में विपक्ष शासित राज्यों पर रौब गांठ रहा है। कुछ राज्यों ने केंद्र के रवैये को खुलकर विरोध किया है और कुछ महामारी से निपटने की बड़ी चुनौती के मद्देनजर राजनीतिक शालीनता बरकरार रखे हुए हैं। स्वास्थ्य हमारे संविधान के हिसाब से केंद्र और राज्य दोनों के दायरे का विषय है। ऐसे में बड़ी महामारी से निपटने में केंद्र और राज्य को आपस में मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, पर वह क्यों नहीं दिख रहा, यह सब सवाल पूछ रहे हैं उर्मिलेश। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। कोविड-19 को लेकर जब से अपने देश में शासकीय स्तर पर इसको एक तरह से काउंटर करने के लिए अभियान चला है, तब से केंद्र सरकार ने भारत के दो जो महत्वपूर्ण कानून है इस मामले में, एक तो सन 2005 का जो आपदा प्रबंधन कानून है जिसको डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, इसके तहत, और 1897 का एक पुराना कानून है अंग्रेजों के जमाने का, एपिडेमिक एक्ट, जो प्लेग जो आया था भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में, उसको काउंटर करने के लिए, अभियान चलाने के लिए बना था, और उसमें बहुत सारे लोगों का उस समय न केवल दमन हुआ बल्कि प्लेग को जिस तरह से निपटा जाना चाहिए था उसमें भी काफी कोताही की गई ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। तो उस एक्ट के तहत, यानी दोनों एक्ट को, 1897 के और 2005 के एक्ट को,
दोनों को इन्वोक किया है केंद्र की सरकार ने ये ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त करने के लिए और राज्यों के अधिकारों में एक तरह से दखल भी किया है। तो ये जो मसला है एक बड़ा गंभीर संवैधानिक मसला है, एक बड़ा विवादास्पद मसला है, लेकिन अभी इस पर कोई सवाल आम तौर पे नहीं खड़ा कर रहा है क्योंकि पूरे देश में विपक्ष हो चाहे विपक्ष शासित राज्यों की सरकारें हो, केरल की सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, सबको ये लगता है कि इस वक्त अगर केंद्र की तरफ से कोई हस्तक्षेप गैर जरूरी भी किया जा रहा है तो चलो उस पर कम बोले, अभी हम सबको मिलजुल कर काम करना है और चूंकि फंडिंग का बड़ा सोर्स केंद्र है इसलिए केंद्र को हमें खुश भी रखना है नाखुश भी नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए जो बंटवारा हो रहा है जो राहत कोष से राज्यों को, उसमें केरल को, छत्तीसगढ़ को, इन राज्यों को काफी कम मिला है और कई जैसे बंगाल भी ये कह सकता है कि उसको कम मिला है, हालांकि बंगाल के मुकाबले केरल और छत्तीसगढ़ की रकम बहुत कम है। जो पसंदीदा कुछ राज्य हैं उनको काफी अच्छी रकम है, भाजपा शासित राज्यों को बहुत अच्छी रकम गई है, इसके अलावा जो बीजेपी की फ्रेंडली पार्टीज हैं उनको भी काफी अच्छी रकम गई है, लेकिन जहां पर बहुत अच्छी कामयाबी मिल रही है या जहां की सरकारें और कामयाब होने के लिए ज्यादा धन ज्यादा सहूलियत चाहती हैं चाहे वो किट्स की हो या और चीजों की, वहां उनको नहीं मिली है। जैसे केरल का उदाहरण मैं दे सकता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो केरल की मानी जा रही है कोविड 19 से फाइट करने के लिए, लेकिन वो सरकार लगातार शिकायत कर रही है कि उनको वाजिब ढंग से नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि जो सेक्शन 6 है ये डिजास्टर कानून का सेक्शन जो सेक्शन 2 है उसके तहत परिभाषित किया गया है कि आपदा क्या है, डिजास्टर है क्या, और दिलचस्प बात यह है कि उसमें हेल्थ शामिल नहीं है। तो इसके लिए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है जिसके होम सेक्रेटरी चेयरमैन होते हैं, उस काउंसिल के तहत जो अधिकार लिए गए हैं उनको हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया गया है, पावर डेलीगेट की गई है और उसके तहत सारे नोटिफिकेशन कई किए जा रहे हैं। तो एक तो ये एपिडेमिक एक्ट का जो कानून है उसके तहत भी जो चीजें ली गई हैं उसमें उनका एक्ट 2 है, एक्ट 6 है, ये 11 मार्च को ही केंद्र ने अधिसूचित कर दिया था, नोटिफाई कर दिया था कि हम इन कानूनों को इन्वोक कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम होगा कि उसी दौर तक लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही थी कि अपने देश में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं लागू होने वाली है। तो ये जो कानूनों का इस्तेमाल केंद्र के जरिए हो रहा है कई राज्यों को लगता है कि ये एक गैर वाजिब दखलंदाजी है और मैं समझता हूं कि केंद्र और राज्य के रिश्तों में ही केवल एक तरह से दरार नहीं पैदा करती है बल्कि जो फेडरल ढंग से फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर जो बहुत कुंद किया जा चुका है जिसमें काफी कमजोरी आई है उस फेडरल जो कैरेक्टर है उस पर भी एक तरह से ये एक तरह से हमला है और इससे हम इस कोविड 19 जैसी बड़ी महामारी को जिस तरह से हम चुनौती देनी है पूरे देश को एकजुट करके राज्यों का भी उतना सपोर्ट लेकर केंद्र की अगुवाई में जितना करना चाहिए था मुझे लगता है कि उसमें अगर कमजोरी कहीं दिखाई दे रही है तो उसके पीछे यही कारण है कि केंद्र की लगातार कोशिश है कि पूरे देश में सिर्फ वही काम करता नजर आए जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर परफॉर्मेंस आप देखिए चाहे मैंने पहले भी कहा केरल की परफॉर्मेंस देख लीजिए, राजस्थान की देख लीजिए, आप उड़ीसा की देख लीजिए, ये काफी बेहतर है। तो आप स्टेट्स की अगर देखा जाए हेल्थ के इश्यूज को तो ये राज्यों का इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जब तक आप राज्यों की एजेंसियों को पुरजोर समर्थन नहीं देंगे बाहर से, आप पैसे से, उनको जरूरी उपकरण से, अब केंद्र को जो जानकारी मिली कि जो आए हैं किट, जो तमाम ये जांच के जो उपकरण आए हैं उनमें खोट है, उसमें कमी है, तो ये तो राज्यों नहीं बताया। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो एक विश्वास का पुख्ता रिश्ता होना चाहिए कोविड 19 से लड़ने में, मुझे लगता है कि केंद्र के जो एक तरह से एक तरफा ढंग से काम करने की ये शैली है उसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहे हैं। न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर
और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।